वेलकम गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी आप देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर पुणे में हूँ और हम अभी जा रहे हैं राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क में, और उसका टिकट निकालने के लिए अभी बहुत सारी लाइन लगी हुई है। और आज सैटरडे, इसलिए पब्लिक बहुत ज़्यादा है। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। आज तो आपको दिखाऊंगा मैं कि क्या है जूलॉजिकल पार्क में, ठीक है। यहाँ से भी आपको टिकट निकालना है। मेरा दोस्त खड़ा है यहाँ पर टिकट निकालने के लिए। बहुत सारी लंबी लाइन है और सैटरडे होने की वजह से बहुत ज़्यादा पब्लिक है यहाँ पर। तो हमने टिकट ले लिया है यहाँ पर और अभी आगे जाके देखते हैं। गाइस, फाइनली हम जूलॉजिकल पार्क में पहुँच चुके हैं और अभी पहला जानवर हम यहाँ देखने वाले हैं। देख रहे अभी कहाँ है, लगता है कहीं दावत में गए। तो बिल्ली है रे बड़ी वाली। ये तो अपनी सिंपल वाली बिल्ली है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। हमने जो देखा वो लेपर्ड कैट थी। लेपर्ड कैट बोलते सादी अपनी बिल्ली थी, भागड़ बिल्ली, उसमें कुछ इतनी खास बात नहीं थी। आगे जाके देखते हैं कौन से और जानवर मिलते हमको। मैं तो फोटो लेंगे। हिंदुस्तानी बड़ी गिलहरी, इंडियन जायंट स्क्विरल। हाँ भाई, जियान है। आप इतना बड़ा जूलॉजिकल पार्क बनाया है और अभी तक हमें कुछ भी एक ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई इसमें जिसको देख के हम ये कह सके कि हाँ जूलॉजिकल पार्क है। अभी तक बिल्ली और गिलहरी हमने देखी है। कहा है मोबाइल में, चश्मे में, चश्मा तो एक नंबर है भैया, ला यार 50 रुपये का। रुक रहे, एक और नई प्रजाति मिली है हमको गाइस, देख सकते हैं आप। ये बहुत ही यूनिक प्रजाति है जो कि हिंदुस्तान में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये है काला कौवा। ये कौवे बहुत ढीठ है, उड़ते भी नहीं है। और ये काला कौवा, देखिए गाइस, यहाँ पर हमको स्लॉथ बियर नजर आया है। कैमरा क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन देख सकते हैं, आंखों से दिख रहा है। यहाँ पर बिपटा देखने हैं हमको, यानी लेपर्ड, जो कि बहुत कॉमन हो चुका है हमारे गांव में, कभी भी आ जाता है। तो ये है गाइस यहाँ पे बिपटा, जो कि फिर हमको नजर नहीं आ रहा है। अरे भाई इधर आ जा यार, पूरे पैसे दिया मैंने। दो बिपटा है क्योंकि धूप बहुत ज्यादा हो चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ने की वजह से बिपटा भी छाव में, और ये भी कपल और हम ये लोग सिंगल है, इसी बात का तो दुख है। यहाँ से करीब से देख सकते हैं आप इसको, वो देखो झाड़ा करने सोपला है, सोपला है। मराठी थोड़ी कमजोर है भाई, थोड़ा कंसिडर करें प्लीज। झाड़ा खाली बस लाए, झोपला है, झोपला है। गाइस इतने सारे जानवर देख लिए लेकिन अभी तक ये कोई भी एक ढंग का जानवर हमें नजर नहीं आया है। लगता कट चुका है, लगता है हमारा कट चुका है बहुत बुरी तरह। अरे ये गिलहरी, जायंट स्क्विरल, बहुत देर के बाद हमें नजर आया है पीले कलर की बड़ी बिल्ली, जिसे शेर भी कहा जाता है। शेर, शेर हमारे और जाने तो छोड़ो। अच्छी तरीके से आपको ये बैनर में ही शेर नजर आएगा, रियल लाइफ में नजर नहीं आ रहे कुछ। 50 रुपए खाली चले गए। और दोस्तों लोग किसी अज्ञात गुफा के अंदर जा रहे हैं, पता नहीं वहाँ पर क्या है, हम भी जाकर देखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ देखेंगे यहाँ पर कौन सा जानवर छुपा है। व्हाइट टाइगर, क्यों वो इनविजिबल है क्या? नजर तो नहीं आ रहा। चलिए इस अज्ञात गुफा में अंदर देखते हैं क्या है। इसके बाद उजाला आ जाइए। जानवर हमें नजर आया है दूर से देखने पर, तो ये सादी हमारी भैंस नजर आ रही है जो दूध देती है, लेकिन इसका असली नाम हमको
बैनर में ही पता चलेगा, देखते आगे जाके गाइस। पर ये जो है ना नॉर्मल भैंस से बड़ी भैंस लग रही है, इसका नाम है ब्लैक बक, इसीलिए यहाँ पे सलमान खान को बैन कर दिया गया है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह पर हम आ चुके हैं जूलॉजिकल पार्क की, और वो है टॉयलेट। अच्छा था गाइस टॉयलेट तो अच्छा था, लेकिन ये यहाँ पर बहुत सारी रुई पड़ी हुई है, लगता है सभी लोगों ने यहाँ पर अपनी नाभि से रुई निकाल कर यहाँ डाल दी है। ये गलत चीज़ें नहीं करना चाहिए, किसी की नाभि की रुई नीचे जा रही। ये है एक्चुअल ब्लैक बस, ब्लैक बक, वो ब्लैक भैंस थी सॉरी। और इस सेक्शन में सलमान खान बैन है। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? वो देखो वो काला काला सा बक भी है। बारहसिंघा बोलते ना अपने, नहीं बारहसिंघा अलग आता है ना, ठीक है। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, अरे चलो करे चलो, खूबसूरत साथ में ब्लैक कोबरा भी है। जिंदगी में देखी होंगी लाल गाय पीली गाय, हम आपको दिखाते हैं नील गाय। देखिए नील गाय है, साथ में उनके कौवे भी है, और कौवा यहाँ का कौमी जानवर है। इस नेशनल पार्क का हर जगह कौवे ही कौवे नज़र आ रहे हैं, और ये जानवर भी बहुत ही प्यारा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और यहाँ भी दो हंसों का जोड़ा बैठा हुआ है। ट्रिप ढाइना है, लेकिन वो उसकी गुफा में सोया है इसलिए हमको नज़र नहीं आया, सॉरी गाइस। तो गाइस ये है इंडियन वुल्फ, सोया है, दूर से कुत्ता ही दिख रहा है ना, तो आतंक ही खत्म हो गया यार। ठीक है भाई चलो, सब्सक्राइबर बोलेंगे बस पोस्टर में ही जानवर दिखाया। रियली गाइस हमें शेर नजर आ चुका है, पहली बार कोई ढंग का जानवर है, लेकिन सोया हुआ है आप देख सकते हैं। ठीक है भाई चलो, कहाँ वो शेर दादा? गाइस आई एम रियली सॉरी, आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। ये देखिए गाइस ये छपरे के अंदर हाथी है, वो भी छाव तलाश कर रहे हैं। आप सभी से गुजारिश है कि कार्बन इमिशंस का इस्तेमाल कम कीजिए और ग्लोबल वार्मिंग से इस दुनिया को बचा लें, वरना दुनिया का खात्मा जल्द है। जिस तरीके से हमारे जलगांव में गर्मी पड़ रही है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि 26 में तो दुनिया ख़त्म है, 26 में तो दुनिया ख़त्म है। आन में मंडलाती हुई चीले आप देख सकते हैं, और ये सब उस पेड़ पर भी बैठी हुई चीले हैं, ये भी आप देख सकते हैं। बस तो भाई राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क का हमारा ये सफ़र यही ख़त्म होता है, और एक्सपेक्टेशन कुछ और थी और रियलिटी कुछ और निकली। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे, सॉरी गाइस, लेकिन तुम सब्सक्राइब करना मत भूलो, इसके बाद हम तुमको एक और अच्छा जूलॉजिकल पार्क दिखाएंगे। और बने रहिए, जब तक मैं पुणे में हूँ तब तक आपको नई नई लोकेशन पर लेके जाता रहूँगा और वहाँ की सैर कराता रहूँगा। मिलते हैं एक और ऐसी ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।